नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामा पुर। दोस्तों आज काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है किसी रीजन से, एंड अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैं रेगुलर वीडियोस लेकर के आता रहूंगा, तो अभी तो कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है। खैर आज बात करते हैं दोस्तों बिहार की। तो बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लागू हो चुकी है, एंड ये जो पॉलिसी रहेगी लागू ये रहेगी 2028 तक। तो 5 साल के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, जैसा कि हमने और स्टेट्स में भी देखा है 5 साल के लिए कोई भी पॉलिसी बनती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें तो 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई पॉलिसी बनाती है। तो 5 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 को लागू कर दिया गया है बिहार में। अब देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का जो उद्देश्य होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए या बनाने का उद्देश्य, वो सिर्फ सीधा सीधा यही होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए, एंड जो पोल्यूशन जो होता है व्हीकल से उसको कम किया जाए, कार्बन एमिशन को कम किया जाए। तो इसके पीछे जो बिहार गवर्नमेंट का उद्देश्य है इस पॉलिसी को लाने के पीछे, वो सीधा सीधा ये है कि बिहार में अगले 5 सालों में जितने भी ओवरऑल व्हीकल्स बिकते हैं उसका 15% केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल से आना चाहिए। तो ये गोल सेट किया है बिहार सरकार ने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में। अब आ जाते हैं सीधे सीधा आपके फायदे की बात पर कि अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको कितना फायदा मिलने वाला है, डायरेक्टली आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं एंड कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बिहार में खरीदना चाहते हैं तो सरकार ने कहा है कि सीधा सीधा 75% तक का आपको टैक्स में डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने पर। ठीक है, तो 75% डिस्काउंट टैक्स में, जो रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है, या कोई भी टैक्स जो होता है, वो टोटल मिला करके उसका 75% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली फोर व्हीलर की। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर खरीदते हैं बिहार में तो उसमें शुरुआती 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, शुरुआती 1000 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स पर एक्चुअली 1.25 लाख तक का इंसेंटिव आपको मिलेगा। 1,25,000 तक का इंसेंटिव आपको मिलेगा सिर्फ शुरुआती 1000 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा वह आपको 10,000 रुपये तक का मिलेगा। एंड ये जो 10,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा शुरुआती 10,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर ही मिलेगा। अब दोस्तों ये जो मैंने 10,000 तक के इंसेंटिव की बात की या 1.25 लाख तक के इंसेंटिव की बात की फोर व्हीलर के लिए, तो ये डिपेंड, ये मैंने मैक्सिमम बात की है कि मैक्सिमम इतना आपको इंसेंटिव मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, कितने किलोवाट आर की बैटरी उसमें यूज हो रही है, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कितना डिस्काउंट या कितना इंसेंटिव मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हम खरीद लेंगे मगर चार्जिंग फैसिलिटी नहीं होगी तो भैया काम कैसे चलेगा। तो बिहार सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। तो बिहार में कोई भी कंपनी या कोई इंडिविजुअल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है तो उसको भी बिहार सरकार सब्सिडी देगी, एंड हर स्टेट ईवी पॉलिसी में ये चीज़ें मेंशन की गई है, अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो आपको भी इसमें सब्सिडी मिलेगी। तो अब आने वाले कुछ दिनों में आपको बिहार में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलने लगेंगे, तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। एंड इस पॉलिसी से हटके अगर मैं एक और बात करूँ तो दोस्तों बिहार सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा स्कीम के तहत 400 बसेस की खरीद को अप्रूवल दे दिया है, यानी कि बिहार में बहुत जल्द हमें 400 इलेक्ट्रिक बस देखने को मिल जाएंगी एंड बिहार की सड़कों पर ये दौड़ने लगेंगी। मगर दोस्तों ये जो शुरुआत होगी इन 400 बसेस की, ये सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट से ही होगी, एंड ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको बताया था हम कौन कौन से हैं, इनमें है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एंड पूर्णिया। तो इन सब जगहों से बिहार में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों बस यही इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देनी थी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।